में टिकली नहीं बैठा है कम मत दीजिए हमें खत्म हो गया रात दीदी को बना अभी हमारे पंडित जी को आने में देर है तो सारे लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। नहीं आए सो गई भी और हाँ कहती कि भाभी हम भाभी साथ आ गई कहती मैं तन्ने को मम्मी यह हर कालिका व्रत तथा शिव जी ने ही माँ पार्वती जी को सुनाया था। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया, बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या की कन्या इसमें क्या संक्षेप में दिया है छोटे रूप में किताब में तो पूरा सारांश बिल्कुल एक लाइन से दिया रहता हाँ यार
तो गाइस अभी बज चुके हैं 12 और अभी हमारी पूजा जो है वो संपन्न हुई है और अब अभी यहाँ पर पीने वालों के लिए पानी निकाला जा रहा है और हालत बहुत खराब हो गई है। वैसे हम व्रत नहीं है पर भूख नहीं लग रही है। क्यों बेबो खाना बनाई थी यार आज? बेबो ने खाना नहीं दी, चाय भी दिया, किसी ने खाना पूछा ही नहीं क्योंकि हाँ? आपका व्रत था तो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। हम कह रहे हैं बेबो ने खाना नहीं दी, क्यों बेबो जी? सही तो बात है, किसी ने खा ही नहीं थी, बताओ यार। हमारी पूजा हो गई है, हमारा फुलहरा अब लग रहा है सुंदर पूजा होने के बाद। अब यहाँ पर सबको बन रहा है रक्षा सूत्र। तो भैया बाहर हो रहा है गाना बजाना। अच्छा आया ही हो गई बनने में इस बार। आज हमारे यहाँ पंडित जी सबसे लेट आए हैं जिसके कारण हमारी पूजा की चीजें बहुत ही लेट हुई है और सब लोगों के फेस से देख रहा होगा कि सब लोगों को बहुत प्यार लगी है। ये देर का व्रत होता है और अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं जो कि बहुत लेट बनी है। चल बेबो जी जा रहे चाय लेने भाई सबको, यहाँ से रास्ता नहीं वहाँ से चली जाओ। यहाँ से रक्षा सूत्र बन रहा है, बेबो घूम के बाहर जाएगी। डांस वगैरह करके हम लोग थक चुके हैं, गाना बजाना भी हो चुका है तो सब लोग बैठ के अभी फिलहाल आराम कर रहे हैं। चाय मिल रही है लोगों को।
अब पूजा हो गई, सबको प्रसाद मिल चुका है। अभी सारा समेट करके ले करके जाएंगे तालाब में विसर्जन के लिए। इससे पहले कि सब खाना शुरू करें, उसके पहले इसको विसर्जित करना होगा। Mahavir
यहाँ विसर्जन से ज़्यादा हम लोग तालाब को गंदा कर रहे हैं, उसमें कचरा डाल रहे हैं एक तरह से। देखिए अब इसकी सफाई की जाएगी, लेकिन और गाइस आज है गणेश चतुर्थी, तो यहाँ पर हमारे पंडित जी जो हैं ये बैठी हुई हैं, ये आ चुकी हैं, तो अब हमारे गणेश जी की स्थापना होगी। तोड़ दो ना, वाले आपको खाने वाले हम हैं। पीछे धीरे से, पीछे धीरे से, सर पे टकराना नहीं। हाँ बस अब छोड़ दो, बोलो माता पार्वती की जय। अगरबत्ती तो नहीं लगाई, जय जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।